अस्सलामुअलैकुम। हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला मुझे और आपको कोरोना जैसी वबा से महफूज रखें। अपने हैंड वॉश रखें और मास्क लगा रखे रखें। सबसे पहले आपकी हेल्थ, ये विश है मेरी भी और एनसीबीए की हेल्थ। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हमने आज मेनली देखना था कीस या कॉन्स्ट्रेंट, लेकिन उससे पहले आर डायग्राम में दो चार चीजें देखती है। मैंने ये नोट्स आर डायग्राम की एग्जांपल और नोट्स सब आपके पास अवेलेबल है। नोट्स तो पिछले लेक्चर में भी थे, अब इस लेक्चर में जो वर्ल्ड की फाइल में लगाऊंगा उसमें एक डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम के अंदर आप जानते हैं कि वो एक्सप्रेस करती है एंटिटीज को कंसेप्चुअली। हायरार्की का मतलब है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती है। अब टू स्ट्रक्चर इस पार्ट, इसमें दो चीजें देखी जाती है, दो तरह की एंटिटीज होती है। कुछ होती है जनरलाइज, जिसमें जैसे कि जनरलाइज ग्रुप वेयर जनरलाइज कंटेन्स प्रॉपर्टी ऑफ अदर जनरलाइज, जिसमें एक एंटिटी सेम प्रॉपर्टी रखती है अदर एंटिटी के पास। अब यहाँ पे देखिए बर्ड्स, ये भी एंटिटी है, फिर बर्ड में पिजन ये एक एंटिटी है, डव स्पैरो, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, जनरलाइज की भी, और जिससे जनरलाइज होनी है ये इससे जनरलाइज होनी है, तो इनकी भी प्रॉपर्टी सेम होंगी जैसे बर्ड्स की होंगी। एक होता है स्पेशलाइजेशन, वो होती है बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज, अपोजिट जनरलाइजेशन ग्रुप ऑफ एंटिटीज इनटू सब ग्रुप। ये आगे एक ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक। एक से एग्जांपल ऐसे दिए मैंने, पर्सन एक एंटिटी है, इज ए वो स्टूडेंट भी हो सकता है और वो टीचर भी हो सकता है। अब एज ए स्टूडेंट एक पर्सन की ग्रुप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, और एक पर्सन की एज ए टीचर ग्रुप ऑफ एंटिटीज और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तीसरी चीज है इनहेरिटेंस, बेसिकली इनहेरिटेंस होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और ये जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के दरमियान एक रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म करती है, उनके दरमियान कोलैबोरेशन कराती है। इसमें लोअर और ये अपर, लोअर लेवल ऑफ एंटिटीज इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब वरासत होता है, यानी कि लोअर पार्ट प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है अपर पार्ट से। अपर पार्ट में क्या है? पर्सन है, उसका जेंडर है, उसका नेम है और उसका एज है। इज एक वो स्टूडेंट होगा या टीचर होगा, एज ए टीचर उसकी एटीट्यूड क्या होंगे? एम्प्लॉय आईडी और रोल नंबर। अब ये इनहेरिट करेंगे इसकी एट्रीब्यूट को, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। कीज या कॉन्स्ट्रेंट, ये होती है रिस्ट्रिक्शन जो आप किसी भी टेबल के ऊपर लगाते हैं, किसी भी एंटिटी के ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा स्टूडेंट, उसमें होगा स्टूडेंट नंबर, नेम, एड्रेस, इसमें स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे उसके क्या है? एट्रीब्यूट्स। अब इनमें से प्राइमरी की किसको बनाना है? वो एट्रीब्यूट जिससे सारे अदर एट्रीब्यूट्स क्या किए जा सके? आइडेंटिफाई किया जा सके, यही डेफिनेशन। प्राइमरी की इज ए कॉन्स्टेंट और एट्रीब्यूट थ्रू विच अदर एट्रीब्यूट कैन बी व्यू, क्योंकि अगर आपको किसी स्टूडेंट का नंबर पता है तो आप उसका नेम भी, एड्रेस भी, एज भी और डेट ऑफ बर्थ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि इन सारे एट्रीब्यूट में से किसको प्राइमरी की बनाएंगे? अब प्राइमरी के अलावा भी स्टूडेंट नेम से भी किसी हद तक या डेट ऑफ बर्थ से भी आप किसी हद तक डेटे को रिट्रीव कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ
लॉजिकली कहलाएगी कैंडिडेट की या अल्टरनेट की। अगर स्टूडेंट नंबर और एज को मिलाकर प्राइमरी की बना दूं तो वो कहलाएगी कंपोजिट की। दोनों को मिलाकर जब प्राइमरी की बनाया जाएगा तो हम लॉजिकली उसे पुकारेंगे क्या, कंपोजिट की। दो एट्रीब्यूट को मिलाकर एक रिप्रेजेंटेशन बनाना। अब यहाँ पे सेकेंडरी की का कंसेप्ट कैसे है, जैसे एक तो ये प्राइमरी हो गई, इसके अलावा कौन से स्टूडेंट नेम और उसके साथ उसका लास्ट नेम और फोन नंबर, जिन पर एज और अगला क्या है फोन नंबर, स्टूडेंट नेम में मैंने कहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब ये लास्ट नेम और फोन नंबर से भी मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। प्राइमरी की यही है, इसके अलावा लास्ट नेम और फोन नंबर से भी तो मैं इसको सेकेंडरी की कह सकता हूँ। फिर मैं यही बताऊंगा कि अगर आप ओरेकल पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं एक्सेस पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली ना अल्टरनेट बनेगी ना कैंडिडेट बनेगी, बस लॉजिकली हम उनको पुकारेंगे, बना आप प्राइमरी सकते हैं। जब दो एट्रीब्यूट को इकट्ठा मिलाकर प्राइमरी बनाएंगे तो हम लॉजिकली उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट की कहेंगे। एक और की आप बना सकते हैं, वो होती है फॉरन की, इसके मुताबिक मैं अभी बताऊंगा। अब जब आप इस पर प्राइमरी की लगाएंगे, वन डाला, फिर वन डालने की कोशिश करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरी की दो ही प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं जा सकता। और फिर अगर आप इसको खाली छोड़ के टू डालना, टू को खाली छोड़ के थ्री डालना चाहे तो वहां पर भी वो एरर देगा। यानी प्राइमरी की नॉट नल होती है और यूनिक होती है। अब ओरेकल के अंदर इसको तोड़ दिया गया है, आप किसी को नल का नॉट नल का कॉन्स्टेंट दे सकते हैं ओरेकल के अंदर। तो जब नॉट नल देंगे तो उसमें से नल वैल्यू नहीं जाएगी, डुप्लीकेट वैल्यू जा सकती है। किसी को यूनिक देंगे तो उसके अंदर सिर्फ यूनिक डेटा जा सकता है, नल नहीं जा सकता। फॉरेन की, अब यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें आपने स्टूडेंट नंबर को कहा ये प्राइमरी की। एक टीचर का टेबल है, उसमें टीचर नंबर है, ये प्राइमरी की है, नेम है। अब टीचर किन स्टूडेंट्स को पुकार रहा है तो मैंने यहाँ भी स्टूडेंट नंबर दिया, तो उसके अंदर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाल सकते हैं। अब अगर मैं ये रिलेशन बनाऊं तो यहाँ पर अगर एक प्राइमरी की है तो यहाँ पर ये कहलाएगी क्या, फॉरन की। ब्रैकेट के अंदर आप जैसे ही इसे फॉरन की बनाएंगे तब भी वो एक्सेप्ट करेगा इसे फॉरन की, जब यही सेम एट्रीब्यूट किसी दूसरी टेबल में एज ए प्राइमरी की होगा। फॉरन की डेफिनेशन क्या बनी, एन एट्रीब्यूट इज सेट टू बी फॉरन की व्हेन इट इज प्राइमरी की ऑफ एन अदर टेबल, इट विल क्रिएट वन टू मैनी का रिलेशन। देखे ना, यहाँ वन का एक रिकॉर्ड है और यहाँ आप कई रिकॉर्ड डाल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट नंबर वन टीचर माजिद से पढ़ रहा है, स्टूडेंट नंबर वन टीचर अदनान से भी पढ़ सकता है, तो यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउड है। इसे कहा जाएगा ये क्या है, फॉरेन की है। अभी मैंने आपको अल्टरनेट कैंडिडेट सेकेंडरी इनकी एग्जांपल दी है, इनको दूसरा नाम पुकारा जाता है कॉन्स्ट्रेंट। आपने पहले नोट्स पढ़ने हैं, फिर मेरा लेक्चर वॉच करना है पे आपको समझ आएगी, नोट्स में इनकी सारों की डेफिनेशन एग्जाम्पल सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस मंथ और एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। असाइनमेंट उम्मीद है आपने बना ली होगी और उसको मुझे सेंड करें, अगले लेक्चर में मैं सेकेंड असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जो लोग समझते हैं, मैं इसमें ओरेकल और एक्सेस दोनों पर टच करूंगा और एसक्यूएल पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज
और ओरेकल के अंदर PL/SQL का थोड़ा सा आपको आइडिया भी क्रिएट करा दो। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको ये जर्नलाइज्ड है लेक्चर, नोट्स वर्ल्ड के फॉर्मेट में अवेलेबल है, और वो पहले वो पढ़े और फिर इस लेक्चर को सुने, आपको फुली समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका। थैंक यू। कुछ नहीं देखा था।